तो पेपर लीक मामले को लेकर यूपी सरकार बेहद सख्त है और जल्द ही नए कानून की भी तैयारी यहां पर की जा रही है। आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के लिए, रुक करेंगे श्वेता का। बिल्कुल सृष्टि, और अब बताते हैं आपको, नोएडा में पत्रकार अजीत भारती के घर कर्नाटक पुलिस पहुंच गई उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। अजीत भारती के खिलाफ कर्नाटक में FIR दर्ज हुई थी और इसके बाद कर्नाटक पुलिस यहां पर नोएडा पुलिस को नहीं बताती है, सीधे उनके घर पहुंच जाती है गिरफ्तार करने के लिए। किस तरह से पूरा ड्रामा आज देखने को मिला दिन भर, देखिए इस रिपोर्ट में। निष्पक्ष स्वतंत्र आवाज का दम भरने वाली कांग्रेस का नया रूप नोएडा में दिखा जब एक पत्रकार अजीत भारती के घर अचानक कर्नाटक पुलिस पहुंच गई। हैरानी की बात यह है कि कर्नाटक पुलिस ने ना तो इसकी सूचना अजीत को पहले दी ना ही नोएडा पुलिस को, इसलिए कर्नाटक पुलिस की मंशा भांपकर अजीत भारती ने नोएडा पुलिस को सूचना दी और नोएडा पुलिस कर्नाटक से आए जवानों को अपने साथ ले गई। मैंने लोकल थाना को इन्फॉर्म किया कि इन्फॉर्म नहीं, उनसे पूछा मैंने कि आपको जानकारी है यहाँ पे बैंगलोर की पुलिस जो है आई हुई है और इनके मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि ये लोग जो है इनकी मंशा कुछ सही है, क्योंकि पहले भी इन्होंने जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया है नोटिस देने के बहाने। फिर वो लोग तुरंत ही 15 से 20 मिनट के अंदर नोएडा की पुलिस जो तुरंत आई। कर्नाटक पुलिस के अजीत भारती को हाल ही में उनके खिलाफ दर्ज मामले में नोटिस दिया था। नोटिस में कर्नाटक पुलिस ने अजीत भारती पर राहुल गांधी के खिलाफ एक फेक वीडियो बनाने का आरोप लगाया। पत्रकार अजीत भारती के मुताबिक उस नोटिस में कर्नाटक पुलिस ने 7 दिनों के अंदर उन्हें बेंगलुरु के हाई ग्राउंड थाने में पेश होने को कहा। लिखा वही कि आपको इन्वेस्टिगेशन में जो है 7 दिन के अंदर जो है बेंगलुरु के फला फला पुलिस स्टेशन है वहाँ पे आपको आना है और इन्वेस्टिगेशन में सहयोग देना। बात यह है कि ये जो केस बनता है उसमें इन्वेस्टिगेशन का कोई स्कोप है नहीं। इस मामले पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कर्नाटक पुलिस की इस कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया दी और सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, कर्नाटक पुलिस का अजीत भारती घर आना लोकतंत्र की हर मर्यादा का खुला उल्लंघन है। पुलिस की ताकत से सत्य को दबाने की कांग्रेसी परंपरा अब चलने वाली नहीं। अजीत भारती के खिलाफ ये FIR 15 जून को दर्ज करवाई गई थी। इस FIR को कांग्रेस नेता BK बोपन्ना ने दर्ज कराया। FIR में राहुल गांधी पर बनाए वीडियो को आधार बनाया गया। कहा गया कि इस वीडियो में उन्हें गलत तरीके से पेश किया गया, जबकि अजीत भारती ने प्रमोद कृष्णम की वीडियो पर अपनी टिप्पणी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे महाराष्ट्र की। आपको बता दें महाराष्ट्र के जलगांव में पुलिस थाने पर पथराव किया गया है जिसमें 8 से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी बताए जा रहे हैं। आपको दिखाते हैं 1 मिनट की रिपोर्ट के जरिए। महाराष्ट्र के जलगांव में पुलिस स्टेशन पर ग्रामीणों ने पथराव किया जिसमें 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि जामनेर थाना इलाके में कुछ दिन पहले 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी कर उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार किया और थाने ले आई। ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया और आरोपी को देने की मांग की। जब पुलिस ने इनकार किया तो ग्रामीण हंगामा करने लगे, पहले टायर जलाए और फिर थाने पर पथराव कर दिया। सामाजिक तत्व तो जमा हो गए पुलिस स्टेशन के पास और उन्होंने पुलिस उनको कंट्रोल कर रहे थे, समझा रहे थे, बीच में ही उन्होंने पत्थरबाजी की है पुलिस स्टेशन की दिशा में। उसमें करीब 7-8 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। थाने पर हुए पथराव के बाद स्थिति तनावपूर्ण थी जिसके बाद जामनेर इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब बात करते हैं उस खबर की जिसने ये कहें कि IIT बॉम्बे के उन 8 स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल बढ़ा दी है जिनको नाटक का मंचन करना भारी पड़ने वाला है, क्योंकि उन पर 1,20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है जिसे उन्हें 31 जुलाई तक देना होगा। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। IIT बॉम्बे ने 8 छात्रों के खिलाफ एक नाटक के मंचन को लेकर एक्शन लिया है। इन छात्रों पर आरोप है कि इन्होंने भगवान राम और रामायण का अपमान किया है। IIT बॉम्बे ने छात्रों को 20 जुलाई तक जुर्माना भरने के लिए कहा है। IIT बॉम्बे ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ये नोटिस शेयर किया जिसमें बताया गया है कि नाटक में शामिल रहे छात्रों पर 40,000 से लेकर 1,20,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है। 31 मार्च को IIT बॉम्बे के ओपन एयर थिएटर में राहोवन नाम के नाटक का मंचन किया गया था।
जिसके बाद नाटक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लोगों ने इसका जमकर विरोध करना शुरू कर दिया। आरोप है कि नाटक को खराब रोशनी में तो पेश किया ही गया, साथ ही भगवान राम का अपमान भी किया गया, जिस पर IIT बॉम्बे ने एक कमेटी गठित की और अनुशासन समिति की बैठक भी बुलाई। इस नाटक को लेकर ही छात्रों पर भगवान राम का अपमान करने का आरोप है। तो सवाल ये उठता है, इस नाटक के मंचन की इजाजत किसने दी थी, जिसके बाद अब एक्शन उठाने की नौबत आई है।